प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत पॉपुलर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीपल एंगल्स पे बेस्ड हम देखने जा रहे हैं। तो आओ साथ देखते हैं इसे कि तो प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड की मदद लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ज़्यादा स्टफ है, तो ज़्यादा स्टफ होने से यहीं से करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/cos 8θ - 1, क्योंकि कॉस साइन में लिखेंगे तो कंट्रोल में आ जाएगा प्रॉब्लम, इसलिए इसको कॉस साइन में ही लिखिएगा। अब आप एलसीएम ले लें तो ऊपर हो जाएगा 1 cos 8θ / cos 8θ / 1 cos 4θ / cos 4θ, ये इक्वल टू इसकी सीध में लिख दें, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो भी यूज़ करना पड़ेंगे। तो वी हैव, व्हाट डू वी हैव, लेट अस सी। हमारे पास है 1 cos 2a = 2 sin²a। ये रिजल्ट मैंने प्रूव कराए हैं, सारे फॉर्मूले एक साथ प्रूव कराए हैं। एक वीडियो एक्सक्लूसिवली इसके लिए है, आप उसको देखिए। एक ही जगह अगर मैं 4θ डाल दूँ तो ये बन जाएगा मेरा 1 cos 8θ और ये हो जाएगा 2 sin²4θ। तो ये आ जाएगा, इसकी जगह क्या लिख पाऊंगा मेरे बच्चों, इसकी जगह मैं लिख पाऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ साफ सुथरा और अच्छा दिखेगा आपको। देखिए यहाँ लिख दिया मैंने मेरे बच्चों, क्या लिख दिया, 2 sin²4θ और अपॉन में कौन है, अपॉन में है मेरे पास cos 8θ और उसके अपॉन में क्या है, 1 cos 4θ। तो अगर मैंने एक ही जगह 4θ डाला तो ये हुआ, एक ही जगह अगर मैं 2θ डाल देता तो क्या बन जाता, 1 cos 4θ = हो जाता 2 sin²। एक ही जगह मैंने 2θ डाला है तो 2 sin²2θ, तो ये बन गया मेरे बच्चों 2 sin²2θ / cos 4θ। अब ये cos 4θ अपॉन के अपॉन में कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा। तो ये बन गया 2 times sin 4θ into this cos 4θ into, ये एक sin 4θ मैंने लिखा नहीं था ना, ट्रिक कर दी थी आप, तो ट्रिक जो चलाई थी वो आगे लिख दी। क्या फ़ायदा हुआ, फ़ायदा बहुत हुआ, ये बन गया 2 sin a cos a जैसा। 2 sin a cos a क्या होता है तो आपको मालूम है, sin 2a क्या होता है आपके पास, sin 2a होता है आपके पास 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ये केवल आपको समझाने के लिए 2 sin a cos a। एक ही जगह क्या रख दो आप, 2θ रख दो, तो ये हो जाएगा आपका sin 4θ / 2 sin 2θ / cos 2θ। और अगर आप एक ही जगह 4θ रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक ही जगह 4θ रखने से बन जाएगा sin 8θ / 2 sin 4θ / cos 4θ। तो ये हमारा है 2 sin 4θ / cos 4θ। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा sin 8θ। इनटू में क्या लिखा है अपने पास, चलो अभी इधर का लिख देता हूँ मैं तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ये मेरे पास मेरे बच्चों हो गया 2 sin²2θ into cos 8θ। तो ये 2 sin 4θ cos 4θ sin 8θ बन गया और ये cos 8θ इधर ले आए, देखो कितना अच्छा रहा। ये क्या बन गया मेरे बच्चों, ये बन गया tan 8θ। तो बहुत कुछ आ गया अब अपने को। अब sin 4θ है तो मैंने एक क्यों लिखा था, ये इसीलिए लिखा था कि अब यहाँ sin 4θ की जगह मेरे बच्चों क्या लिख सकूँगा मैं, आई कैन राइट 2 sin 2θ cos 2θ। अपॉन में क्या है मेरे बच्चों, अपॉन में मेरे पास 2 और sin²2θ है, 2 से ये 2 कैंसिल मेरे बच्चों, sin²2θ से ये sin²2θ कैंसिल। अब ये cos²2θ अपॉन के अपॉन में ले जाएंगे हम, है ना, तो ये नीचे जाके क्या बन गया, अब आप समझ ही गए हो, ये आपका बन गया tan 8θ और sin²2θ के अपॉन में कौन गया, cos²2θ, ये हो गया tan 8θ /
टेन टू थीटा। तो ये हो गया RHS। आप सॉल्व कर रहे हैं डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी के साथ। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी मैथमेटिक्स में परेशानी हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9685698056 पर लिख के मुझे भेज सकते हैं। जो भी आपके कमेंट्स हो, सजेशन हो, यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज समटाइम्स यू कंसीडर दैट योर टीचर शुड इम्प्रूव इन दिस वे, योर टीचर शुड डू लाइक दिस, आई हैड अ प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर पॉइंट एंड योर टीचर शुड रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। सो इफ़ यू थिंक लाइक दिस, आप मुझे अपना समझते हैं तो मुझे लिखें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, आपकी मदद हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और मेरे बच्चों ये उन बच्चों तक भी पहुँचे जहाँ सुविधाओं का अभाव है, जहाँ लोगों को पढ़ने को टीचर नहीं है और क्लासेस लग नहीं रही हैं, उन बच्चों तक पहुँचे और अपना देश आगे बढ़े। इन्हीं के साथ विश यू ऑल द बेस्ट।